भीलवाड़ा के मॉल्स, होटल्स और रिजॉर्ट सरकारी आदेश के बाद सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के इंतजाम के साथ खुले। इस दौरान सरकार की सतर्कता की शर्त के साथ सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ यहां पर कार्य किया जा रहा है। यहां पर प्रवेश से पहले ग्राहक की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, उनके हाथ साफ करवाए जा रहे हैं। ऐसे एक होटल का जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण लगातार जो सबसे ज़्यादा उद्योगों में फर्क पड़ा है वो है रेस्टोरेंट उद्योग जगत पर। भीलवाड़ा में इसका प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। भीलवाड़ा में 78 दिन बाद फिर एक बार उद्योग जो है होटल और रेस्टोरेंट उद्योग खुले हैं। हम बात करते हैं भीलवाड़ा के एक लग्जरियस होटल जो ट्यूलिप कॉन्टिनेंटल के नाम से, और भीलवाड़ा की बहुत लग्जरी होटल है, उसके MD से हम बात करते हैं। तो सर आप ये बताएं कि इतने दिन बाद जो होटल खुला है इससे आपको क्या प्रभाव पड़ा है और आप किस तरह की व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं? सबसे पहले मैं सबका नमस्कार करना चाहूँगा, और सेकंडली ये जो लॉकडाउन आपने देखा है, ऑलमोस्ट 78 दिनों बाद हमने अपना होटल खोला है। प्रभाव तो ऐसा पड़ा है कि अब हम बता नहीं सकते कि कितना अर्थव्यवस्था को भी पड़ा है और हमारे पर्टिकुलर बिजनेस में, प्लस जो हमारे साथ में एसोसिएट है, हमारा स्टाफ, उनको भी रोजगार का जो नुकसान हुआ है, साथ में हमारे को जो फाइनेंशियली नुकसान हुआ है, तो उसकी गणना तो करी जा रही है कि सेल्स के अकॉर्डिंग आपको बताएं। आप हमसे प्रिकॉशनरी मेजर्स की अब हमारे को कैसे इसको अब टू द मार्क करना है, कैसे इसके साथ में हमारे को जीना सीखना पड़ेगा, कैसे इसके साथ में कोरोना के साथ में बिजनेस करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ एफर्ट्स करे हमने। जैसे कि हमारे यहाँ पर 2 रेस्टोरेंट के आउटलेट्स हैं, हमने 50% कैपेसिटी में उसके अंदर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए उसको मैनेज करा है। सेकेंड चीज, हमने कस्टमर्स के लिए ये कि उनको संतुष्टि मिले दिल से, तो हमारा सारा अधिकतर स्टाफ का कोविड टेस्ट कराया, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में ही उनको हमारे साथ में एसोसिएट कराया। आप ये बताएं कि आपने अपने रेस्टोरेंट में क्या व्यवस्था कर रखी है कस्टमर्स के लिए? सर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी कैपेसिटी है उसको हमने सबसे पहले 50% करा है, प्लस हमने पर एक टेबल पर प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक एक जना बैठ पाए एक तरफ से, यानी टोटल 2 मेंबर्स की सिटिंग के हिसाब से इसको कर रखा है। दूसरे, जैसे ये अभी हमारे एक गेस्ट बैठे हुए हैं, ये हमने कस्टमाइज ऐप कर रखा है, हम जो हमारा रेगुलर मेन्यू है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। इस ऐप को आप देख सकते हैं, इस ऐप से ये ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो हमारे ऑर्डर टेकिंग जो स्टाफ है F&B का, वेटर प्रॉपर ग्लव्स, प्रॉपर मास्क और प्रॉपर उन्होंने अपना सिर ढका है, प्रॉपर सैनिटाइज होकर वो उनसे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, सजेस्ट करते हुए ऐप के द्वारा कि आप ये प्लेस कर सकते हैं। ये सारी, जैसा कि इन्होंने हमें बताया है कि बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जा रही है, टेबलों के बीच में बिल्कुल गैप है, मास्क लगा रखे हैं, ग्लव्स लगा रखे हैं, जो कस्टमर्स हैं उनको भी हाईटेक रूप से पूरी व्यवस्था कर रखी है कि वो ऑर्डर अपना मोबाइल्स के द्वारा दें, जिससे क्या है कि कोई किसी के कोई समस्या नहीं हो, आगे से आगे अच्छा काम हो। हम देखते हैं इनकी किचन में जो शेफ हैं इनके, वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए पूरी तरह हाइजीनिक रूप से इनका खाना बन रहा है। किचन में जो व्यवस्था है देखिए, सभी शेफ इनके सबने टोपी लगा रखी है, मास्क पहने हुए हैं, हाथ में ग्लव्स हैं, सभी के हाथ में ग्लव्स हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक हाइजीनिक रूप से ये काम हो रहा है और कस्टमर के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जिससे क्या है कस्टमर आवे यहाँ बैठ के भोजन करे और पूरे भोजन का आनंद ले। सर, हमने जो आपको बताया था वो टेक्नोलॉजी के लिए कैमरास प्लेस कर रखे हैं, इसलिए कि वो कैमरा से कस्टमर ये भी देख सकता है उनके ऐप के द्वारा कि लाइवली कि कैसे शेफ काम कर रहे हैं, कि उनको नहीं रखा। और हमने पूरा एक ग्लास का एक डिवीजन कर रखा है कि वो विजिबल रहे कि प्रॉपर वो हाइजीन वे में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं शेफ। अभी हम ट्यूलिप कॉन्टिनेंटल के एक रूम में हैं जो एक बहुत लग्जरियस रूम है। हम ये पूछते हैं कि इस रूम में जो ठहराने की व्यवस्था है इसके लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए हैं? सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जहाँ पर भी आपको कॉमन टच लगता है उसको हम रेगुलर बेसिस पे, आवर्ली बेसिस पे हमारा जो हाउसकीपिंग टीम है सैनिटाइज करता है पूरा प्रिकॉशन के साथ में, विद मास्क और विद ग्लव्स। और रूम गेस्ट के आने के लिए हमने सब जगह सैनिटाइज का व्यवस्था कर रखा है कि एक उनको पर्सनल सैनिटाइजर मिले, और नीचे से उनको हम जो हमारा रिसेप्शन एरिया फ्रंट ऑफिस से उनको मास्क भी प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारा वॉशरूम है उसके अंदर भी हमने वही और इस जो ये हमारा ट्रॉली आकर इसको पूरा रूम बनाता है उसके अंदर हमने पूरा हाइजीन पूरा वो मेंटेन कर रखा है। उसको उस पूरे को आप देख सकते हैं कि हर एक जो लीलन है वो है, एक बार यूज होने के बाद में उसको वापस रीयूज नहीं किया जा रहा, फ्रेश लगाकर पूरा करते हैं। और वॉशरूम में भी वही सारी एमिनिटीज हमने दे रखी है रिगार्डिंग सैनिटाइजर एंड ऑल।
लॉकडाउन के 78वें दिन बाद जब होटल खुले तो होटल मालिकों में संचालकों में एक बड़ी आशा एक बड़ी किरण जगी है कि अब उनका व्यापार भी चलेगा, उद्योग धंधे वापस चालू हैं। यहाँ जो भीलवाड़ा वस्त्र नगरी है यहाँ पर पूरे विश्व से लोग यहाँ पे आते हैं व्यापार के लिए। अब देखने वाली बात है कि ये जो